मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं खींच के चलाऊं। ओए होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष लग रहे हो, मत करो रन। और आज जो है यार बड़ा रैंडम सा डे है, दोपहर के 3:30 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं एक शोरूम जहाँ पे एक MG की HS होगी और HS की हमने बनानी है पिक्चर्स। और बल्कि यार वहीं मिलते हैं गाड़ी के अंदर, MG HS के अंदर। ये वाली गाड़ी तो आप देखते ही रहते हैं, थोड़ा सा उसको चेक करते हैं कि क्या सीन है उसका, इतनी हाइप किस चीज़ की थी। वैसे तो रिव्यू भी बनाया हुआ है दूसरे चैनल पे मैंने, कैजुअल मुल्तानी पे, और माशाल्लाह उस पर व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो उसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे अगर आप देखना चाहें तो। चलते हैं अभी शोरूम और देखते हैं गाड़ी का क्या सीन है। सो दिस इज द इंटीरियर, स्टीयरिंग व्हील जिसके ऊपर सुपर स्पोर्ट का भी बटन है। बड़ा फरारी सी फीलिंग आ रही है इसके अंदर बैठ के। एंड लुक एट दीज एयर वेंट्स, जैसे जेट इंजन नहीं होता वैसे है। और बाकी फ्लोटिंग स्टाइल की LCD, और यहाँ पर एक ट्रॉफी मेंशन किया हुआ विच इज़ नाइस। और अभी यार इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो ये है इसका, फुट ऑन द ब्रेक एंड यस पावर अप। सो अभी वापस शोरूम जा रहा हूँ एंड आई बिलीव शायद आज FJ क्रूजर भी एक मिल जाए चलाने को, तो लेट्स होप। और लुक एट दिस, रिवर्स कैम के साथ आपको फुल 360 व्यू मिल जाता है विच इज़ वेरी नाइस। तो अभी मुझे आगे जाना था, मैंने रिवर्स गियर लगा दिया। अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और इसका साउंड सिस्टम भी चेक करते हैं अभी। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द 2013 FJ क्रूज़र, 4000 cc, बेहतरीन चीज़ है यार ये। और इसका इंटीरियर से भी यार आपको दिखाता हूँ एंड लुक एट दिस, विंटेज स्टाइल का इंटीरियर लग रहा है इसका। नो डैशबोर्ड पैनल्स बट एयरबैग्स, पावर विंडोज। और अभी चलते हैं, इसकी राइड लेते हैं यार। द कार इज लिटरली सो, कार तो नहीं कहेंगे जीप कहेंगे, लिटरली सो ऑफ द ग्राउंड के मुझे यहाँ से पकड़ के जो है ऊपर चढ़ना पड़ा। एंड बाय द वे ये इसकी चाबी है और मैनुअल की है, लॉक अनलॉक के 2 बटन्स हैं। एंड कहाँ डलती है भाई चाबी, दिस राइट हियर, यहाँ पे डालेंगे चाबी और एक्सेसरीज ऑन, ब्रेक पे पाँव रखेंगे। बाय द वे लुक एट द क्लस्टर, नाइस विंटेज, पुराने ज़माने का है लेकिन हर चीज़ बता रहा है। गियर्स, इवन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 4x4 का भी यहाँ पे गियर है। यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी हैं यार, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हाट एल्स डू यू नीड इन FJ क्रूजर यार। और D4 3 और लो गियर्स में 2 मैनुअल हैंड ब्रेक 2 और पीछे सीट्स हैं, आई गेस नज़र नहीं आएगा तो मैं दिखा नहीं सकता। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स हियर द साउंड। वेरी नाइस यार, 4000 cc, लुक एट द साइज मिरर यार, लुक एट द साइड मिरर्स। और इसके ऊपर आई गेस अरबी लिखी हुई है, दूसरा भी ऐसा ही है आई थिंक, ये कोई UAE से इम्पोर्ट हुई है। और यार इसका जो स्टेयरिंग है ना, आई हैव टू से बहुत हार्ड है, लाइक प्रॉपर जीप है। और
आप ये चेक करें कि मैं इससे रेस पर पाँव नहीं रख रहा, स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ और इसकी RPM जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वाओ, आई गेस हाइड्रोलिक होगा इसका स्टीयरिंग व्हील जिसकी वजह से इंजन को पावर देनी पड़ रही है। आफ्टर मार्केट पैनल है और भाई सीधी सी बात है, इसको चलाते हुए आई गेस मैं व्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज 4000 cc है और इसका साइज इतना बड़ा है कि मुझे आइडिया नहीं होता कि गाड़ी किधर जा रही है, आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो आराम से इसको चलाएंगे, थोड़ी सी ड्राइव का आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की है, बाकी अभी चलते हैं। यार रिवर्स पे लगाना था और ड्राइव पे लगा दिया, बाय द वे बैक कैम हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको यहाँ से टर्न करते हैं, आप देख सकते हैं यार फ्रंट जो है इसका कहाँ जा रहा है। तो आई हैव टू से दिस इज रियली रियली लार्ज व्हीकल और एक प्रॉपर SUV बनी हुई है। मतलब यार यार मुझे लग रहा है किसी शोरूम के लड़के ने नीचे किया है बिकॉज पूरे रास्ते मुझे लगा था इसमें बाहर से निकल के करना पड़ेगा मुझे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स पुट इट इन द ड्राइव। और मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं खींच के चलाऊं लेकिन यार सामने गाड़ी भी खड़ी है। ओए होए 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 यार, ये जेन्युइन रिएक्शन था सो डोंट टेक दिस द रॉन्ग वे। मुझे आइडिया नहीं था कि एकदम ऐसे उठेगी गाड़ी। एनीवेज यार आई गेस अपनी गाड़ी में व्लॉग खत्म करूंगा मैं, लेट्स गो यार, आई होप यू एंजॉयड। Oh, oh, oh.